हेलो एवरीवन, आज लेंगे अच्छी बात। अच्छी बात तो मैं बताती हूँ, लेकिन अब थोड़ा रिवर्स बैक ये कर दी कि पहले अपने चैनल के बारे में बताऊँगी, क्योंकि आप लोग लास्ट तक सुनते नहीं हैं और आधी बचाती अपनी डिटेल्स भेज देते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समस्या चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखो। जवाब भले ही लेट मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सच मिलेगा। सारे सच ही बताते हैं, लेकिन जिसका जिसके साथ कार्मिक अकाउंट होगा वो उसी से जुड़ेगा और उसी से पूछेगा। आज बात करते हैं। एक बार एक साधु होता है, तो सुबह से उसको भिक्षा नहीं मिली होती और वो भिक्षा का इंतज़ार कर रहा होता, तो दूर देखता है कि एक संत बैठे होते हैं। उन संत के पास जाता है, कहता है कि मेरे को सुबह से भिक्षा नहीं मिली और मेरे को बहुत भूख लगी है, तो आप कुछ मेरी मदद करें। तो संत बोले, तुम किससे मांग रहे हो? तो कह रहे, इतने लोग हैं यहाँ पर मंदिर के आसपास, इन्हीं से तो मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। कहते, ये लोग नहीं हैं, ये पशु हैं। तो कह रहे, ये कैसे? तो वो उनको एक चश्मा देते हैं। कह रहे, अब देखो। तो वो चश्मा जैसे ही लगाता है तो देखते हैं कोई किसी के ऊपर घोड़े का सिर लिखा है, किसी पे सियार का सिर लिखा है, किसी पे गधे का सिर लिखा हुआ है। तो वो एकदम से चौंक जाते हैं। तो कह रहे, जो तुम्हें मानव लगे ना, उससे तुम अपनी हेल्प मांगना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वो महंत काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, और आपको पता है कि एक तो इन लोगों तक अप्रोच मुश्किल होती है। अगर ये मिल जाते तो एक जगह टिकते नहीं है, बस 2 मिनट जो भी हमें मिलना होगा वो मिल जाएगा, उसके बाद ये मूव ऑन हो जाते। संत वहाँ से चले गए तो चश्मा उसी के पास था, तो उसने देखा इतनी भीड़ में एक मोची जिसमें बाकी मनुष्यता नज़र आ रही थी। तो मोची के पास गया, कहते कि वैसे तो मैं तुम्हारा चूहा खाऊंगा नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? कहते, मेरे पास तो 2-3 आने पड़े हैं, तो मैं इसी के इस यही इसी से कुछ खाने के लिए ला देता हूँ। तो वो कह रहे कि मैं इतना गरीब हूँ कि आप मुझसे ही भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन आप लोग हमारा तो छुआ खाते नहीं। अब के पुराने ज़माने की बातें थी, लोग जात पात का विचार करते थे, आज भी हैं, लेकिन ये अब गांव में या शहरों में ये बात अब रही नहीं है। तो वो जाता है, 3 पैसे का जो भी मिलता है वो साइड से ला के दुकानदार को बोलते हैं कि ये 3 पैसे हैं, इसके बीच में जितना आ रहा है आप साधु को जो भोजन करा सकते हो, चाय पिला सकते हो, वो पिला दो। दुकानदार साधु को चाय पिला देता। उसके बाद मोची बाजार के बीचों बीच एक जोड़ी जूते की बना के रख देता है, और वहाँ का राजा का इतना सुनी है ये बात लोगों ने कि कभी उनको किसी की भी जो जोड़ी की फिटिंग नहीं आती है। कितने मोची उन्होंने बलवा लिए, कितना कुछ कर लिए, लेकिन नहीं। तो वहाँ से राजा का जो मंत्री था वो निकल रहा था, उसने देखा जोड़ी पड़ी हुई है, तो उसने जोड़ी उससे खरीद ली उससे, और सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा कि आज तक तो मुझे कभी चमड़ा नहीं पसंद आता, कभी सिलाई नहीं पसंद आती, कभी टाइट सिल देते हो, कभी खुली, तो पता नहीं अब ये कैसी होगी। तो मंत्री बोला, पहन के देख लीजिए महाराज। तो जैसे ही राजा पहनते हैं और देखते एकदम फिट आती है। वो कहते, किसने बनाई है? कहते, ये तो मैं जब बाजार गया तो रास्ते के बीचों बीच किसी मोची ने रखी हुई थी। तो कह रहे, ठीक है, उस मोची को बुला के लेके आओ। तो मोची को बुलाया जाता है, तो कह रहे, ये जूते तुमने बनाए? कहते हैं, जी महाराज मैंने बनाए हैं। कहते, क्या कीमत है इसकी? कहते, इसकी कीमत 5 रुपये है महाराज। तो कहते, पर ये जूतों की कीमत मेरे लिए नहीं है। कहते, मैं समझा नहीं। कहते, बनाए मैं नहीं है, लेकिन ये 5 रुपये मेरे नहीं हैं महाराज। कहते, वो कैसे? कहते, सुबह जो साधु मेरे पास आए थे उन्होंने कहा कि मुझे भोजन करा दीजिए, लेकिन मेरे पास 3 ही पैसे थे, तो मैंने हरि नारायण से कहा कि ये जूतों की जोड़ी मैं जितने में भेजूंगा वो इनकी किस्मत की है, जितने जो भी मुझे मिलेगा वो मैं इनको ही दूंगा, 5 रुपये मिले चाहे कुछ भी मिले, तो 5 रुपये आप महाराज जी को दे दीजिए। तो उस साधु को भी बुलाया गया। तो कह रहे कि तुमने इनसे भिक्षा मांगी थी? कहते, हाँ मैंने भिक्षा मांगी थी, तो इन्होंने 3 पैसे की मुझे चाय
पिलाई और खाना खिलाया। उस समय के पैसे की वैल्यू थी, 5 रुपये तो बहुत बड़ी रकम थी उस समय। तो वो बोले कि नहीं, इसको 5 रुपये नहीं, इसको 1,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि इतने बढ़िया इसने। कहते 1,000 महाराज आप दीजिए, चाहे 5,000, लेकिन वो मेरे नसीब के नहीं है, वो इन्हीं के नसीब के, क्योंकि मैंने भगवान को क्या बोला है कि जो भी मिलेगा वो मैं इनको दान में दूंगा। तो महाराज को बात ही नहीं समझ आई। महाराज ने साधु से बोला कि इतने बंदे थे, तुमने भिक्षा के लिए इसी को क्यों चुना? कहता महाराज मैं क्या बताऊँ आपको, आपके राज्य की, कि सुबह से मैं भीख लेने के लिए घूम रहा था, मुझे एक भी बंदा नहीं मिला। तो एक बहुत पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने मुझे एक चश्मा दिया और कहा कि देखो जो तुम्हें मनुष्य लगे उसी से जाके भिक्षा लेना। अब मुझे कोई मनुष्य दिखा ही नहीं, तो मैंने इसी में मनुष्यता देखी, तो इन्हीं से भिक्षा मांगी। तो राजा कह रहे कहाँ है वो चश्मा और वो साधु का संत कहाँ है? तो कह रहे वो तो चले गए वहाँ से। तो कह रहे ठीक है वो चश्मा मुझे भी दिखाओ। तो राजा ने खुद ही चश्मा पहना। उन्होंने जैसे ही दरबार में नज़र दौड़ाई तो देखा कोई सियार है, कोई बाघ है, कोई क्या है, कोई। तो राजा डर गए। राजा ने वो शीशा लिया, अपने आप को देखा तो शेर का सिर लगा हुआ। और राजा कह रहे मतलब मैं राजा तो हूँ, शेर का सिर लगा के बैठा हूँ, मैं तो मैं भी जानवर हूँ। उस दिन राजा को सच्चाई का पता चला और राजा ने 1,000 रुपये मोची को दिए उसकी मनुष्यता के लिए। अब इसके पीछे आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मेरा मैसेज क्या रहता है कि जिसके अंदर मानवता है, मानवता का मतलब जो दूसरे के दुख को समझते हैं। मैं कभी ये नहीं कहती मैंने किसी की 5,000 की हेल्प की है, मैंने 500 हैं तो 500 की हेल्प की है। जितना भोजन से करी, किताबों से करी, जिसको जो चाहिए होता है, मैं कभी अपना हाथ नहीं रोकती हूँ। हम मानव क्यों हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं? सेंसेस हैं हमारी, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, भगवान ने बुद्धि दी है। अगर सिर्फ हम स्वार्थी हैं अपने स्वार्थ के लिए तो हम जानवर हैं। आज ये भी नहीं कह सकते जानवर भी मरते हुए आज काम आते हैं। मतलब आज कलयुग में आगे कॉन्सेप्ट बदल गया। अब जैसे पहले क्या था, हमारी बॉडी चली जाती थी, आज हम डोनेट कर सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स किसी और के काम आ सकते हैं। तो हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यही मैसेज है मेरा। तो भगवान ने चुनाव इसीलिए किया है कि मैं मैसेंजर हूँ, मैसेज पहुँचाऊँ। भले ही मैं पैसे से आपकी हेल्प नहीं कर रही, लेकिन एनालाइज करके मुझे लगता है अभी तक 900 या 1,000 चार्ट जो अपलोड हो उनकी लाइफ में क्या है पेशेंस है, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। चलिए आज लेंगे 5 चार्ट, 8/7/1987, 8:30 PM दिल्ली। तो आपकी गाड़ी चलेगी 31 से, लेकिन बीच में एक टाइम आ रहा है 30/6/2024 से लेके 30/8/2027 तक, ये इसमें इनकम है आपकी। लेकिन इसके बाद कब इनकम है? 38/2031 से, ठीक है? आगे चलते हैं। 10/1/1991, 9:45 PM फिरोजपुर गवर्नमेंट जॉब। आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है 30 मार्च 2020 से लेकर 16 अप्रैल 2021 के बीच में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसी बीच आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पेपर क्रैक करें। आगे चलते हैं 11/6/1996, 8:15 PM चंदौसी यूपी। तो इनका क्वेश्चन तो नहीं इसमें लिखा हुआ। तो आपकी गाड़ी चलेगी राहु की महादशा में। देखिए मैंने कितनी वीडियोस में बोला जिसका मंगल शुक्र इकट्ठा है उसकी लाइफ स्मूथ नहीं है। तो आपके स्टार बदल रहे हैं 30/4/2020 से। आपको जॉब करनी है और आपकी गाड़ी कब चलेगी? राहु की महादशा से चलेगी। जॉब करोगे, जॉब का मतलब है आपने सर्विसेज दी, अपना पेमेंट लियो घर आ गए, लेकिन व्यापार नहीं करना आपको। आगे चलते हैं 14/5/1994, 11:20 AM जयपुर। इनका भी क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब। तो आपने बुक्स गलत रखी है, नॉर्थ ईस्ट में रखनी है,
आपने साउथ ईस्ट में रखे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बुक्स रखें। आपने नेक्स्ट ईयर क्लियर करना है पेपर, 14 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2022 के बीच में ये पेपर क्लियर करना है। ठीक है, मैं ईयर बता सकती हूँ पेपर आप लोगों ने क्रैक करना है। आगे चलते हैं। 11/6/1980, 7:30 AM, कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो इन्होंने पूछा है कि करियर के बारे में है। देखिए, आपके जॉब के रेयर स्टार हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में जाकर जो मैंने देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। 12/3/2020 से लेकर 27/4/2020 के बीच में है, यानी अभी आपके मार्च से स्टार बन जाएंगे 1 महीना बीच में। और जैसी भी जॉब मिले अभी आप ले लो, क्योंकि रेयर कॉम्बिनेशन है, जॉब ही एक्टिव नहीं है, मैंने आगे तक देखा है। अभी आप पैसा नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जैसी जॉब मिले कैसी भी मिले आप अभी ले लो, तो थोड़ा फिर सेटल डाउन हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। रेयर कॉम्बिनेशन है जॉब के आपके। तो आज हमारे 5 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समस्या लिख कर भेजिए, क्योंकि बाद में लोग सुनते ही नहीं हैं और आधी बजादी इंफॉर्मेशन खाली ईयर लिख के भेज देंगे। अभी आपको एक किस्सा बता रही हूँ। एक सर थे, तो वो बोले साल बता दिया और प्लेस बता दिया, अभी नाम भी बता दिया, तो प्रडिक्शन करो। तो मैं उनसे क्या बहस करती हूँ, उम्र में बड़े थे। तो मैंने कहा मुझे आती ही नहीं है ऐसे करने, तो वो मुझ पर डांट के बोल रहे थे कि इसी में सारे बता देते हैं। बताते हैं, वो उनकी पावर्स हैं, मेरी पावर्स नहीं है। मैं तो पढ़ के बताती हूँ, बिना टाइम के है ही नहीं प्रेडिक्शन, तो मैं बता नहीं सकती। तो जहाँ मेरी गलती है वहाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, एएम, पीएम, सिटी, स्टेट, तब तब करेक्ट प्रेडिक्शन आएगी आपकी। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगली बार मिलते हैं एनालाइज पार्ट विद अच्छी बात। बाय।